YouTube चैनल पे कॉल पुट टेक्निकल चार्ट्स की बातें सुनने से अच्छा अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर स्टेटमेंट को ढंग से सुनना शुरू कर देंगे तो शायद आपकी जो पोर्टफोलियो रिटर्न्स है उसमें आप एक पॉजिटिव मूवमेंट देखेंगे कुछ टाइम पीरियड के बाद। सिंपल सी कैलकुलेशन समझिए, हमारे ऑयल एंड गैस के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली है कि एथनॉल ब्लेंडिंग 2030 तक इंडिया के अंदर 20% हो जानी चाहिए। आज से 2 साल पहले उन्होंने ये बात बोली थी, लेकिन पिछले साल उन्होंने इस स्टेटमेंट को ये बोला है कि हम रिवाइज करके इस टारगेट को 2025-2026 तक करना चाहते हैं। अब आप ये सिंपल सी कैलकुलेशन समझें कि इंडिया के अंदर जितना भी आपका पेट्रोलियम ब्लेंडिंग हो रही है एथेनॉल के साथ, वहां पे एक ऐसा नंबर जो कि आज से 6 साल के बाद होना था, वो आज से 1 से 2 साल के टाइम पीरियड में होने वाला है। वहां पे आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखिए शुगर कंपनीज की कैसे हो सकती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पायलट टेस्टिंग शुरू हुई थी 2014 के टाइम पीरियड से, वहां पे 1.5% की एथेनॉल ब्लेंडिंग थी। 2022 तक जुलाई के महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग आज की डेट में आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में दिखाई देना शुरू हो चुकी है। इसके रिवाइज टारगेट करने से आपको ये समझ में आ चुका है कि जो इसकी प्रोसेसिंग है उसके अंदर गवर्नमेंट को पॉजिटिव इनिशिएटिव दिखाई दे रही है, इसलिए उन्होंने 6 साल बाद के जो टारगेट थे उनको आज 2 साल के अंदर कंप्लीट करने की बात करी है। ये स्टेटमेंट पे इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है आपकी शुगर कंपनीज के ऊपर, क्योंकि आप सिंपल सी बात समझिए कि इंडिया के अंदर आज की डेट में जो हमारा इम्पोर्ट बिल है उसको कम करने के लिए एक इतना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका। दूसरी बात, इसकी जो पेमेंट्स है जो कि एथेनॉल बनाने के लिए आपको शुगर कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉरेक्स का जो खर्चा है इंपोर्ट करने के लिए, वो डायरेक्ट इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही पैसा घूमेगा। इससे क्या होगा कि इंडियन कंपनीज को वो जो पैसा मिल रहा है एथेनॉल का, वो लोग डायरेक्टली इंडियन फार्मर्स को पैसा दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि एक फॉरेक्स का जो पैसा हमारा बच रहा है वो बाहर जाने की जगह इंडियन इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन में जाएगा। इससे इंडिया की कंपनियों को भी फायदा होगा, इंडिया के फार्मर्स का भी फायदा होगा, और सबसे बड़ी बात, इन्वायरमेंट के लिए भी एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ती है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर। तो आप ये समझिए कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स हो जिसके अंदर स्ट्रक्चरल आपकी ग्रोथ है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ का मतलब ये है कि भाई एक टाइम पे आपका जो पूरा का पूरा रेवेन्यू मॉडल है कंपनी का, उसके अंदर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इम्पैक्ट होने की वजह से अगर रेवेन्यू आगे जाके बढ़ेंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी कंपनी है उसके दो बिजनेस मॉडल हो सकते हैं। एक है कि कुछ पोर्शन वो एथेनॉल के लिए बनाए, कुछ पोर्शन वो एग्जिस्टिंग शुगर जो बाकी चीज़ों में यूज़ होती है वहां पे रखे। तो कंपनी के पास ये बना रहेगा कि पूरा टाइम उनके पास रेवेन्यू ड्राइवर्स के लिए एक बिजनेस मॉडल तैयार है। अब आप ये समझिए कि इंडिया की जितनी भी शुगर कंपनीज हैं उनकी आपको अर्निंग्स रिलीज पढ़नी है, वहां पे ये नोटिस करना है कि भाई किस किस कंपनी को किस किस का फायदा हो रहा है। रीसेंट के अनाउंसमेंट्स के अंदर आपको ये ऑर्डर वैल्यू दिख जाएगी एथेनॉल ब्लेंडिंग की, कि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ कितने बड़े ऑर्डर लेके बैठे हुए हैं। ये वाला काम करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे पास अगले 2 से 3 साल का रेवेन्यू की पाइपलाइन जो है वो तैयार है एथेनॉल के लिए। इतना करने से आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वहां पे आपको ग्रोथ स्टोरी का इम्पैक्ट समझ में आएगा कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी वाले स्टॉक्स कैसे होते हैं। इतना करना शुरू कर दीजिए ताकि नॉलेज से कॉन्फिडेंस बने, कॉन्फिडेंस से शेयर प्राइस की मूवमेंट पे आपका इतना इफेक्ट नहीं आएगा फॉल और राइज के अंदर, लेकिन स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी अगर आपको पता होगी ना तो शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेयर मार्केट के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये चीजों पे फोकस करें, बाकी कोई भी डाउट हो मुझसे पूछना। थैंक यू।